Hi guys, here I'm recording the video solutions of Live Quiz 2 in math, and the topic was like quadratic polynomial equations. So this was a first question where like very fundamental concept है. तो मैं question solve करते time भी I'll talk about the concept in that question and how you have to solve it, how you have to do your journey, and then we'll find the answer without trying not to do any calculation mistake. So if the roots of this equation be real, right? So it is given that roots of this equation are real. Now, and unequal also. So roots of an equation are real and unequal. So what we can say about discriminant of this quadratic equation? D is greater than zero. Real roots means discriminant positive. और अगर unequal कह रहे हैं तो equal to sign भी नहीं आएगा क्योंकि D equal to zero का मतलब है equal roots. तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आना ही चाहिए. 10th का कॉन्सेप्ट है ये. तो अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ था लाइव क्विज में तो कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम तो नहीं थी. ये देखो आप, डी ग्रेटर देन जीरो, रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और उसमें भी डिस्टिंक्ट, राइट? यहाँ भी इक्वल रूट्स हैं और ऑफकोर्स रियल है. एंड डी लेस देन जीरो नॉन रियल रूट्स है. हम कई बार इमेजिनरी वर्ड भी आता है, कभी कॉम्प्लेक्स वर्ड भी आएगा, लेकिन हमने अभी वो पढ़ा नहीं है. हम तो सिर्फ नॉन रियल रूट्स की बात करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है अभी, राइट? सो जस्ट अ मिनट, या सो लेट्स गो फर्दर. अब ये अगर कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है आपको, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. सो बी स्क्वायर मीन्स फोर सी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज वन, सी मीन्स कॉन्स्टेंट टाइम दैट इज ए बी. सो इफ आई टेक फोर कॉमन इट इज सी स्क्वायर माइनस ए बी, और हम कह रहे हैं ग्रेटर देन जीरो है. तो यहाँ से कंडीशन आ गई सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी. आगे देखते हैं कैसे यूज़ होगी. अब मुझे बताना है इस जो सेकंड क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है इसके रूट्स के बारे में, और चॉइसेस से पता चल रहा है कि रियल डिस्टिंक्ट ऐसी बात हो रही है, रियल नॉन रियल डिस्टिंक्ट. तो उसका भी डी देखना है मुझे. अगर मैं डी वन कह रहा हूँ तो मेरा डी टू क्या हो गया दूसरी क्वाड्रेटिक का, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, फोर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट? माइनस फोर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर. अब देखते हैं फोर में अगर यहाँ से कॉमन लेता हूँ, राइट? सो इट इज़ ए स्क्वायर, इट इज़ प्लस बी स्क्वायर, आई एम ओपनिंग द परफेक्ट स्क्वायर, प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर. क्या बचा, ये इससे कैंसिल, टू भी बाहर कॉमन ले लिया, बाहर एट हो गया, अंदर बचा ए सी माइनस बी स्क्वायर. और ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या है, अगर मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, ज़रूरत नहीं दिख रहा है वैसे हमें, तो माइनस एट बी स्क्वायर माइनस ए सी है, ये पॉजिटिव है, बाहर माइनस एट है, राइट? बाहर माइनस एट है, ये पॉजिटिव है, तो लेस देन जीरो हो गया. माइनस एट इंटू पॉजिटिव क्वान्टिटी, ये पॉजिटिव कहाँ से आया, वी ऑलरेडी प्रूव्ड दैट डी वन इज डी वन ग्रेटर देन जीरो करके ऑलरेडी प्रूव्ड दैट सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, मीन्स सी स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो. वी ऑलरेडी शोन दिस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव हो गए, मतलब रूट्स क्या हो गए, नॉन रियल रूट्स हो गए. चॉइस इज नॉन रियल रूट्स, राइट? नॉन रियल रूट्स, दैट्स अ डी चॉइस. लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज इफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फैक्ट्री बाय मोर देन टू वैल्यूज ऑफ एक्स. वैल्यूज ऑफ एक्स मीन्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और ये गिवन है ये दो से ज़्यादा इसके रूट्स हैं. दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन टू वैल्यूज मीन्स दिस इक्वेशन इज मोर देन टू 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 रूट्स, राइट? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट हो सकते हैं. अगर उससे ज़्यादा रूट की बात कर रहे हो तो वो आइडेंटिटी ही कॉन्सेप्ट है कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज मोर देन टू रूट्स देन इट इज एन आइडेंटिटी. मीन्स आइडेंटिटी का मतलब है हर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, उसका मतलब है ए ज़ीरो बी ज़ीरो सी ज़ीरो, ये तीनों कंडीशन ज़ीरो होगी. ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का मतलब है कि ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, और ये ज़ीरो होने के लिए तीनों कोएफिशिएंट ज़ीरो होने चाहिए, ए भी ज़ीरो बी भी ज़ीरो सी भी ज़ीरो, ये तीनों ज़ीरो हो गए. देखो तो इसको इक्वेशन ने मुझे लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया था, अब अप्लाई कैसे करना है. ये ज़ीरो हो गया, यहाँ उसको फैक्टराइज़ किया मैंने, लैम्डा माइनस टू इंटू लैम्डा माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो. तो लैम्डा या तो टू होना चाहिए इसको ज़ीरो करने के लिए, या फिर लैम्डा थ्री होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखते हैं, वो है लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू.
उसको फैक्टराइज करेंगे तो लैम्डा माइनस टू इंटू लैम्डा माइनस वन, या तो लैम्डा टू होना चाहिए या फिर लैम्डा वन होना चाहिए। कॉन्स्टेंट टर्म देखते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म है कि लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, लैम्डा टू या फिर लैम्डा माइनस टू, तो तीनों जीरो होने चाहिए, ऑल थ्री शुड बी टूगेदर जीरो एट द सेम टाइम। एंड नाउ सी विच वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक ऑल थ्री जीरो एट द सेम टाइम। कॉमन तीनों भी, लैम्डा टू यहाँ भी आ रहा है, लैम्डा टू यहाँ भी आ रहा है, लैम्डा टू यहाँ भी आ रहा है, तो लैम्डा टू हो गया। थ्री नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, लैम्डा थ्री पे ये जीरो है, ये जीरो है, ये दोनों जीरो नहीं है लैम्डा थ्री पे, तो लैम्डा की वैल्यू थ्री नहीं हो सकती। ऐसे ही बाकी लैम्डा माइनस टू नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म जीरो है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशियंट ऑफ एक्स जीरो नहीं है। ऐसी वैल्यू लेनी है कि तीनों कोफिशियंट जीरो होने चाहिए और वो टू ही है सिर्फ खाली। सो लैम्डा टू आंसर आ गया। सो पूछा है कि इस देन लैम्डा इज टू आंसर, डी आंसर आ गया, राइट। सो वी मूव फॉरवर्ड, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सो इट्स रूट ऑफ द इक्वेशन दिस अल्फा बीटा देन वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन के बताना है। अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं, अगर रूट है तो सम ऑफ रूट्स भी लिख सकते हो, लेकिन वो यहाँ यूज होगा, अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है इसको और बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि बीटा भी इसका रूट है। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। अब मुझे इस इक्वेशन के एक रूट के बारे में कॉमेंट करना है, तो ये कोई ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोग धोखा खा गए हों कि क्या करें क्या करें या कैसे आगे बढ़ें। तो ये पहले तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म में लिखा आपने, टू टाइम्स बाहर रखा, परफेक्ट स्क्वायर ओपन कर दिया, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा एक्स, एंड देन वी हैव ए बीटा प्लस बी इक्वल टू जीरो। सो नाउ इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट, सो दिस इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, लीनियर टर्म यहाँ से आती है फोर अल्फा बीटा एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म हो गई मेरे यहाँ पे टू बीटा स्क्वायर प्लस ए बीटा प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब ये लिखने के बाद हम रूट्स आइडेंटिफाई करने आगे जा ही रहे थे कि ये चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, ये जीरो है क्योंकि बीटा ओरिजिनली फर्स्ट इक्वेशन का रूट है, बीटा प्लग इन करके ये जीरो हो रहा है। आप देखो टू बीटा स्क्वायर ए बीटा, ये जीरो हो गया। जैसे आपको ये पता चल गया जीरो हो गया, तो इसमें कॉन्सेप्ट है सच कौन सा लगाना है ये कुछ इतना वो नहीं है इसमें। देखो आपने मतलब कॉन्सेप्ट नहीं कहेंगे, ऑब्जर्वेशन ये मिस हो सकता था इसमें, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा लिखते हैं, अल्फ़ा और बीटा को प्लग इन करके जो ये रिलेशनशिप आ रही है ये चीज़ मिस हो सकती थी ये। तो अब जैसे ये करा तो आपने देखा एक रूट एक्स कॉमन लिया, एक रूट आ गया आपका, एक्स आ गया जीरो आ गया, एक रूट कॉन्स्टेंट टर्म जीरो तो एक रूट जीरो है, देखो एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। दूसरा भी यहाँ से आ सकता है, उसके बारे में कुछ हमसे पूछा ही नहीं है, तो हम एक रूट के बारे में पूछा, जीरो आ गया आंसर, राइट। तो इसमें कॉन्सेप्ट इतनी बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर, मतलब मिस हो सकता था कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए थी इसमें, कोई डायरेक्ट कोई फॉर्मूला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इजी क्वेश्चन था, नहीं कर पाए, देखो क्यों नहीं कर पाया, अगर नहीं कर पाया, पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बिलोंग्स टू आर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी और क्यू रूट्स हैं इस इक्वेशन के और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब लिखे है क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब ये नहीं लिखना आता है तो बहुत ख़राब बात है, इसको हमेशा सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लाते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स है, इसको हम इस फॉर्म में लाते हैं। अब पी प्लस क्यू को रिप्लेस कर दिया सम ऑफ द रूट्स, वो आएगा माइनस अल्फा माइनस टू है, माइनस की ज़रूरत नहीं थी, राइट, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला माइनस बी बाई लिया हमने, तो फाइन मेरा हो गया अल्फा माइनस टू हो गया सम ऑफ द रूट्स, राइट, स्क्वायर माइनस टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है माइनस वन माइनस अल्फा, ये मिस्टेक नहीं करनी है, अलग से लिख लो अगर किसी को ज़्यादा मुश्किल होती है। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए विच कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ अल्फा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया अल्फा माइनस टू डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस अल्फा माइनस वन है, ए वन है, राइट। सो यहाँ से मेरा ये आ गया, अब इसको मैं ओपन करता हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा प्लस फोर, ये प्लस टू अल्फा एंड देन दिस इज प्लस टू, व्हाट वी गेट इज अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस सिक्स। इसको ऐसे लिख लिया मैंने अल्फा माइनस, ये ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली लिखने की, इसको यहीं से लिखा अल्फा माइनस वन होल स्क्वायर
प्लस फाइव ऐसे लिख लिया, राइट। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, जब ये ज़ीरो होगा, फाइव होगी मिनिमम वैल्यू, जब ये ज़ीरो होगा तब मिनिमम वैल्यू आएगी, अल्फा इक्वल टू वन, तो मिनिमम वैल्यू आएगी फाइव पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की। हमने इसको इस तरह से फॉर्म में लिख लिया। अगर आपको ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, तो ये एक अपने आप में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब इसका ऐसे ग्राफ होगा अल्फा में, ये वर्टेक्स माइनस डी बाई फोर है निकालना है, माइनस डी बाई फोर है ये निकालना है। फॉर्मूला जो होता है वर्टेक्स का, मिनिमम वैल्यू का, माइनस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर फोर माइनस ए इज वन सी इज सिक्स डिवाइडेड बाय फोर टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर वन। ये मैं वैल्यूज प्लग इन कर रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट की और ए की, तो ये मेरा यहाँ से आ गया माइनस टू बाय ए वन है, तो एक मिनट कहीं मिस्टेक करी है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर रह गया यहाँ पे, राइट। तो 24 ये आ गया, न्यूमरेटर हो गया माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 4 5 आ गया। तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में भी कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू, कैसे निकाला था हमने कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है तो इनके सम की मिनिमम वैल्यू 5 हो गई। या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कब होती है, जब वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, रेंज का फॉर्मूला पता है ये, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होगा अल्फा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से पूरी एक रेंज आएगी, और वो रेंज की कहाँ से होगी, एज कोफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर इज पॉजिटिव, दिस इज ओपन सफर्ड, सो इट इज़ माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी, ये है इसकी रेंज। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस डी बाई फोर ए, वो हमने येलो कॉन्सेप्ट लगा दिया। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन विच यू नो कैन टेक टाइम, क्योंकि टाइम ज़्यादा भी दिया था इसमें, क्योंकि हमें केसेस बनाने पड़ते हैं मॉडल हटाने के लिए, और इस ये फोर के अबाउट केसेस बनते हैं, इसके केसेस टू के अबाउट बनते हैं। तो मेरा ये बनेगा x लेस देन टू, टू टू फोर इक्वल टू साइन कहीं भी लगा सकते हैं, और x ग्रेटर देन फोर इक्वल टू साइन कहीं भी लगा लिया। तो मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ, पूरा स्क्रैच से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा हुआ टॉपिक है। तो जिनको रिवीजन चाहिए वीडियो देख सकते हैं इस क्लास की, लॉग और मॉड पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में। एक्स लेस देन टू, एक्स लेस देन टू में हमें क्या मॉड में क्या होता है ये ध्यान रखना होता है, एक्स माइनस ए का जो साइन है, जैसे मैं रिवाइज ये क्विकली करा देता हूँ, एक्स माइनस ए है अगर, तो मेरा ये ए के आगे पॉजिटिव होगा और इसके पहले नेगेटिव होता है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स माइनस वन है तो वन के इधर जाके पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव है, राइट। तो अब हमें याद रखना है कि मॉड हटाना होता है मुझे, मॉड कब हट सकता है, अगर मॉड फाइव है तो मॉड हटा सकते हो, क्योंकि फाइव पॉजिटिव है, क्वांटिटी इनसाइड पॉजिटिव है। अगर क्वांटिटी इनसाइड नेगेटिव हो गया, जैसे माइनस थ्री हो गया, तो माइनस लगा के मॉड हटा सकते हो आप, क्योंकि मॉड का काम है पॉजिटिव करना, तो माइनस हटाना पड़ेगा तब हम मॉड लगा हटा कर सकते हैं। तो मैं ऊपर आता हूँ, एक्स लेस देन टू में हम यहाँ पे हैं, इस टाइम यहाँ एक टू है मेरा पॉइंट, एक फोर है, हम यहाँ हैं, यहाँ पे हम टू के भी लेफ्ट के ऊपर हैं और फोर के भी लेफ्ट के ऊपर हैं, दोनों के लेफ्ट पे हैं, तो दोनों नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है, देखो एक्स माइनस फोर भी नेगेटिव होगा क्योंकि हम फोर के लेफ्ट पे हैं, और एक्स माइनस टू भी नेगेटिव होगा, हम टू के लेफ्ट में, देखो फोर के भी लेफ्ट में है, हम टू के भी लेफ्ट पे हैं इस इंटरवल में, और लेफ्ट के होने का मतलब है साइन नेगेटिव है। तो मॉड हटेगा जब माइनस लगेगा बाहर, तभी मॉड हट सकता है, माइनस लगा के मॉड हटेगा, ये इक्वल टू सेवन, ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। बाद में पहले सारा ये लिख लेते हैं। अब टू किधर आ गए, टू टू फोर है, टू के राइट पे आ गए हैं, तो टू के ऊपर जो मॉड है, फोर पे जो मॉड हटेगा माइनस लग के हटा, देखो माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन टू पे मॉड ऐसे ही हट जाएगा, सेवन हो गया। ऐसे ग्रेटर देन फोर में हम बिल्कुल राइट साइड पे आ गए हैं, देखो राइट पे आ गए हैं, फोर के भी राइट पे हैं, दोनों के राइट पे हैं, टू के राइट पे, फोर के राइट पे, दोनों मॉड हटाएंगे, क्योंकि अब माइनस नहीं लगेगा, जरूरत नहीं है माइनस की, क्योंकि क्वांटिटी ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो माइनस नहीं लगता, ये पॉजिटिव है माइनस नहीं लगेगा बाहर, अगर नेगेटिव होता तो माइनस लगता है, ऐसे ये भी पॉजिटिव है माइनस नहीं लगेगा। ये अब तीन सभी क्वेश्चंस हो गए हैं, लीनियर है, सॉल्व करना है, टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ सॉल्व किया, माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स है, और यहाँ से प्लस एट आता है, और यहाँ से प्लस एट आता है, सिक्सटीन, सिक्सटीन को उधर लेके जाएंगे तो माइनस सिक्सटीन, तो ये बन गया मेरा माइनस नाइन, राइट। एक्स मेरा थ्री बाई टू हो गया, अब थ्री बाई टू इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, लोग कर रहा है, तो ये आंसर एक्सेप्ट कर लिया, एक्स लेस देन टू है, थ्री बाई टू इज लेस देन टू, एक्सेप्ट कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ चेंज हो गया, ये माइनस टू एक्स है लेकिन ये फोर एक्स है, तो कंबाइन करके ये टू एक्स हो गया, तो ये टू एक्स आ गया, राइट। और कांस्टेंट टर्म यहाँ से माइनस एट आती है, यहाँ से सॉरी प्लस एट आती है, माइनस एट कैंसिल हो गया, इक्वल टू सेवन, एक्स सेवन बाई टू हो गया, और सेवन बाई टू भी इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। देखो हमें निकालना है सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, कि सारी वैल्यूज का सम करना है, दो आंसर आ चुके हैं, तीसरा आंसर निकालते हैं यहाँ से, एक्स ग्रेटर देन फोर में ये टू एक्स, ये फोर है, सिक्स एक्स है, ये माइनस एट, ये भी माइनस एट, प्लस एट, सिक्सटीन हो गया, तो जाके ट्वेंटी फाइव हो गया,
25/6 जो कि 4 से ज़्यादा है, तो तीनों आंसर ऐसे आ रहे हैं, सब करेंगे तो मैंने सबका सम करना है। एक आंसर -3/2 है, एक 7/2 है, एक है 25/6 है। एलसीएम लिया 6 से, ये 9, 3 × 21 + 25, सो 60, 55/6 है। 55/6 इज कहीं मिस्टेक हुई है, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्विकली। यहाँ से 3/2 आया है, यहाँ 7/2 आया है, और यहाँ से आएगा 16, ये 23 था, 16 + 7 = 23, ये 23 है, तो 53/6 आंसर हो गया, 53/6 ये। तो मॉड को कैसे सॉल्व करना है अगर, ये तो सीखना पड़ेगा आपको। अगर मैंने भी क्विकली रिवाइज़ कराया है, अगर याद आ गए ठीक है, नहीं तो वीडियो दोबारा देखो। ये केसेस बनाने पड़ते हैं, केसेस ऐसे कैसे, किसके अबाउट किसके, अभी एक और क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं अभी, तो पहले उस पर चला जाता हूँ मैं। ये क्वेश्चन था, ये और डिफिकल्ट है, 3 मॉड आ रहे हैं, तो मेरे कौन से मॉड 3 है अगर लिखूँ मैं। एक्स एक्स माइनस वन मॉड है, एक मॉड एक्स है, और एक है मेरा मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो इसका पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जिसको 0 करके 1 आता है, ये 0 आता है, ये -1 आता है, तो 4 इंटरवल बनेंगे। एक्स लेस देन -1, -1 to 0 इक्वल टू साइन कहीं भी लगा सकते हैं, एक्स 0 से 1 और एक्स ग्रेटर देन 1, ये मेरे 4 केसेस बन गए हैं, राइट। तो मुझे मॉड कैसे हटेगा, तो अब देखो, अगर आप लेफ्ट पे हो -1 के, इसका इसका फैक्टर एक्स प्लस वन है, ये एक्स है, इसका फैक्टर एक्स है, सॉरी ये 0 है, इसका फैक्टर एक्स है, ये 1 है, इसका फैक्टर एक्स माइनस वन है, तो इधर हैं, तो ये तीनों नेगेटिव हैं, राइट। ये मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर समझाने के लिए आपको, और मैं रीजन लिख दूँ 1, 2, 3, 4, कुछ लोग ऐसे टेबल अच्छा रहेगा तो ऐसे कर लो, मैं रीजन 1 में हूँ, लेफ्ट मोस्ट पे हूँ, तो तीनों नेगेटिव हैं क्योंकि तीनों के लेफ्ट पे हूँ मैं। मैं रीजन 2 में आ गया हूँ, जस्ट अ मिनट, राइट। मैं रीजन 2 में आ गया हूँ, रीजन 2 के अंदर मेरा, मैं इस टाइम यहाँ आ गया हूँ, -1 के राइट पे हूँ, तो इसका फैक्टर एक्स प्लस वन था, वो पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव हैं कि बाकी दोनों के लेफ्ट पे हैं हम। ये मैं ओरली कर रहा था, अब ये लिख के दिखा रहा हूँ आपको मैं। R3 मतलब यहाँ आ गया हूँ, हम -1 के भी राइट पे हैं, 0 के भी राइट पे हैं, तो इनके साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव है। जब मैं R4 में आ गया हूँ, मैं बिल्कुल राइट मोस्ट में चला गया हूँ, सारे पॉजिटिव हो गए। इसके बेसिक हिसाब से मॉड हटाएंगे हम, राइट। मॉड कैसे, कब मॉड हटाते टाइम, अगर ये माइनस है तो आपको बाहर माइनस लगाना पड़ता है, प्लस है तो बाहर माइनस नहीं लगाना पड़ता, ये रूल है। अब मैं इसको, मैं लिख इसके अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ, तो जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। हम लेफ्ट पे हैं, तीनों के आगे माइनस आएगा, तो तीनों के आगे माइनस लगाए तो मॉड हटाते टाइम तीनों के आगे माइनस आएगा। एक्स माइनस वन के भी आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसके आगे भी माइनस लगाए, ये इसको सॉल्व करेंगे हम, राइट। पहले लिख लेते हैं, इसके बाद मैंने तीनों इसके आगे, ये प्लस आ गया है, एक्स प्लस वन के आगे माइनस नहीं लगेगा, बाकी दोनों के आगे लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम ही रहेगी, राइट हैंड साइड में 3 × x + 1 हो गया, ये चेंज हो गया। अब मैं जब इस R3 में जाके चला गया, ये R3 है, R3 के अंदर मैंने, अब मेरे दोनों प्लस था, यहाँ दो पॉजिटिव हैं, सॉरी गलती दिया, प्लस आना था, यहाँ माइनस है, दो पॉजिटिव हैं यहाँ पे, तो मुझे अब x के आगे भी पॉजिटिव हो गया, तो ये तो अभी माइनस लगेगा, लेकिन इस बार x के आगे माइनस नहीं लगेगा, माइनस था प्लस हो गया था, अब नहीं हुआ प्लस, माइनस एक और नया माइनस नहीं आया यहाँ से, ये ऐसे ही रहेगा। अब तीनों के आगे माइनस नहीं लगेगा, मॉड हटा दिए, किसी के आगे ये माइनस नहीं लगाया क्योंकि तीनों फैक्टर्स पॉजिटिव हैं। ऐसे इसमें टाइम लग गया, देखो 4 केसेस बने हैं, अभी सॉल्व भी करना है इसके अंदर। सॉल्व कैसे करेंगे, ओरली देखेंगे, यहाँ से -x आ रहा है, यहाँ से 2x आ रहा है, x हो गया, इधर -3x है, तो इधर जाके -4x हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे -3 है, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे 1 आ रही है, राइट, या 1 है, तो मेरा फाइनली क्या बना, इधर से जाके 4x इक्वल टू -1 बना। तो बात वही है, देखो इक्वल टू साइन -1 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन बात वही है, यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा, देख लेते हैं भी, एक्स इक्वल टू -1 है, अभी तो हमने कहा एक्स लेस देन -1 था, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड सेम ही बन रही है, लेफ्ट साइड सॉरी लेफ्ट साइड सेम ही बनेगी, ये बनेगी एक्स प्लस वन, और राइट हैंड साइड है 3x + 3, तो यहाँ से हो गया 2x = -2, एक्स इक्वल टू यहाँ से -1 आ गया, डोंट थिंक ये मिस हो गया था, यहाँ से -1 आ गया, तो एक आंसर मेरा हमको -1 मिल गया, सेटिस्फाई कर रहा है, देखो -1 मिल गया आंसर। अब इन दोनों से मुझे आंसर सॉल्व करना है, ये -3x आता है, यहाँ +3x है, 6x हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, इधर जाके -4 हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है -2/3, और -2/3 इस इंटरवल में नहीं लाई कर रही 0 to 1 में, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा मुझे,
इंटरवल में लाई करनी चाहिए, 0 to 1 में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो जो भी आंसर आएगा 0 to 1 में लाई करना चाहिए। फिर मैंने इसको देखा, यहाँ से ये मेरा बन रहा है -1 -x बन रहा है, इस साइड पे 3x + 3 बन रहा है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, 4x = -4, x = -1 आ रहा है वो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, x > 1 में वो भी छोड़ दिया, तो एक ही आंसर आया x = -1। मैं क्या पूछा है, इसके कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, आंसर हो गया, एक ही एलिमेंट है, एक ही आंसर है इसके, सोल्यूशन सेट इज ओनली वन, x = -1, तो एग्जैक्टली वन एलिमेंट आंसर हो गया। तो देखा कैसे मोड के दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, कैसे बना के, सबका एक ही तरीका ऐसे होगा, तो दो तीन तीन बार करके देखो, जिसको एग्जाम में क्विज में नहीं हुआ था। सो दिस इज अ टिपिकल रैशनल इनइक्वालिटी क्वेश्चन है, ये भी गलत किया तो आपने रिवाइज करना पड़ेगा पक्का आपको, ये एक्स है, ये पॉजिटिव पार्ट है जिसको मैं हटा ही दूंगा, राइट, और ये भी पॉजिटिव पार्ट है, इसको भी मैं हटा दूंगा, इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, x - 3 अलग कर लिया, x - 3 होल स्क्वायर अलग कर लिया, और ये भी पॉजिटिव पार्ट है टू द पावर 6, तो इतना। अब मैं सारे पॉजिटिव पार्ट को हटा देते हैं, इसको पॉजिटिव हटा सकते हैं, दोनों साइड से डिवाइड कर दिया, तो मेरा रह गया खाली x * x / 3 < 0। अब मुझे इसमें इसका सॉल्व कर लिया, इसका आंसर 0 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये आंसर आ गया, < 0 यहाँ पे है, राइट, मेरा आंसर आ गया x belongs to 0 to 3। 0 हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने बताया था कैसे करना होता है, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल टू साइन है, 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, और 3 को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहा है, 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, डिनोमिनेटर 0 कर रहा है, 3 नहीं आएगा, और भी ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है, अब 3/2 को भी चेक करना है, सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा, क्रिटिकल पॉइंट जो होते हैं 4 को भी सेटिस्फाई करना है, ये तो इनको नहीं लेंगे, डिनोमिनेटर तो कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 3 और 8/3 है, इनको मत चेक करो, ये तो कभी सेटिस्फाई करेंगे नहीं, इनकी पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई, हाँ ये है कि अगर ये आंसर में आ गया तो इनको निकालना पड़ता है आंसर से, तो 3 को तो पहले निकाल दिया हमने, और 8/3 आंसर में आएगा, ये हटाना पड़ेगा मुझे, आंसर जो मैंने लिखा मैंने, तो 8/3 को आंसर से हटाया मैंने, राइट, ये करा है, और किसी को ऐड भी करना है यूनियन, यस मुझे 3/2 और 4 को ऐड करना है, तो 3/2 इस इंटरवल में नहीं आया, 3/2 भी यहीं कर ले, 3/2 को ऐड करना है, इसी में डाल देते हैं, नहीं इसमें तो हटाया, सॉरी, 3/2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जस्ट अ मिनट, तो 3/2 और 4 मुझे ऐड करना है, दोनों आंसर में नहीं आए, दोनों ऐड कर दिए, 3/2 तो आंसर में आ ही गया था, सॉरी 4 ही करना मुझे ऐड, 4 मैंने ऐड कर दिया, राइट, 4। अब मुझे क्या निकालना था, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, अब ये 0 नहीं आएगा, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, 0 इज नीदर पॉजिटिव नर नेगेटिव, 1 आएगा आंसर में, 2 आएगा आंसर में, 3 आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नहीं आएगा, लेकिन 4 भी आएगा, तो ये 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 1, 2, 4, 0 उठा दिया बिकॉज 0 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं है, 1, 2 एंड 4, ये 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर इज 3। तो ये करना था, रैशनल इनइक्वालिटी आना चाहिए, और वो भी आना चाहिए कि हमने एंड पॉइंट को कैसे एडजस्ट करना है, हमने जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको कैसे अकोमोडेट करना है, वो मैंने समझाया था पूरा, कि यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो अलग तरीके से अकोमोडेट होगा, लेस है तो अलग से होगा, इक्वल टू साइन है तो कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, 3/2 कर रहा है, 4 कर रहा है और 0 कर रहा है, ये तीनों हमें मेक श्योर करना आंसर के अंदर हों, और ये दोनों नहीं होने चाहिए क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहे, राइट, 3 नहीं कर रहा, 8/3 नहीं कर रहा, ये दो नहीं कर रहा, इनको हटाना है आंसर से हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बना रहे हैं ये, तो हमने जो भी आंसर आया 0 to 3 ये आया था, इसमें मेक श्योर कर लिया कि 8/3 आंसर में नहीं होना चाहिए, तो आ गया था, हमने माइनस किया, हमने मेक श्योर कर लिया था कि 0 आ जाए, यहाँ आ गया 0, हमें था 3/2 आ जाए, 3/2 ऑलरेडी आ चुका है इसके अंदर, 4 आ जाए, हमने ऐड करा अलग से 4, तो ये तरीका है इसका। नाउ फॉर व्हाट वैल्यू सी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट रियल, रूट्स नॉन रियल हो इसके, सी की ऐसी वैल्यू क्यों, नॉट रियल मतलब d < 0 मीन्स यू नो 4 × c - 2 होल स्क्वायर b² - 4 टाइम्स a c - 2 c = 0, ये करना है आपने, 4 बार कॉमन ले लिया तो बचा c - 2 होल स्क्वायर, 4 चला गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 ये आ गया < 0, ओपन करेंगे c² - 4c + 4 + 4 < 0, एक मिनट, ये प्लस, ये गलती हो गई है, 4 बार कॉमन गया था और c - 2 भी कॉमन ले सकते थे, मैंने ये c नहीं देखा, दोबारा कर लेता हूँ मैं, तो
तो यहाँ देखो फोर भी बाहर कॉमन गया है, सी माइनस टू भी बाहर कॉमन आ गया है, यहाँ खाली सी माइनस टू बचा है, ये फोर गया, ये सी माइनस टू गया, यहाँ पे बचा माइनस टू और, राइट। सो फोर टाइम्स सी माइनस टू इंटू सी माइनस फोर लेस देन जीरो, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का रिजल्ट बताया था कि इससे आंसर आएगा बिटवीन टू एंड फोर। अब ये कोई नहीं कर पाया तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हो रही है इसका मतलब। देखो ये रिजल्ट होता है, अगर लेस का साइन है तो बिटवीन द आंसर होता है, टू टू फोर तक आंसर आएगा। डी लेस देन जीरो करना था, थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, और उसके बाद डायरेक्टली रिजल्ट अप्लाई करना था, टू टू फोर दैट इज बी आंसर। नाउ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर ये है, इसके फॉर्मूले आने चाहिए आपको, ए एक्स टू द पावर फोर बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है, अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट्स हैं तो इनका सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा लिखेंगे नहीं ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा बीटा डेल्टा ऐसे चलता रहेगा, छः टर्म्स आएंगे और लिखना लिख सकते हैं, लेकिन ये मतलब होगा अल्फा के साथ डेल्टा कंबाइन करना है, बीटा के साथ डेल्टा करना है, राइट। और अल्फा के साथ डेल्टा आ गया, बीटा डेल्टा डेल्टा आ गया, और या अल्फा के साथ अभी हमारा गामा नहीं आया, अल्फा गामा, तो ये छः केस बन जाते हैं हमारे टेकन टू वेरी टाइम वाले, कि दो दो करके कंबाइन किया, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, ये माइनस है फिर प्लस आएगा, ये डिनोमिनेटर सेम रहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर फोर, ये न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ रहा है, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट टाइम, अल्फा बीटा गामा, राइट। लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा अल्फा छोड़ देते हैं इस बार, गामा बीटा डेल्टा, गामा बीटा गामा डेल्टा, और फिर हमारा आएगा अल्फा गामा डेल्टा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, फिर डी आ गया, सी ए बी सी, और लास्ट टर्म है टेकन प्रोडक्ट रूल्स टेकन ऑल द टाइम, गामा डेल्टा इज ई बाई ए, ये हमारे सारे फॉर्मूले से ये अपने अप्लाई करने थे। तो मेरे को यहाँ पे मैंने जो गिवन है उसको मैंने एलसीएम लिया, किसकी वैल्यू निकालनी है, वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा प्लस वन बाय गामा प्लस वन बाय डेल्टा, इनको सम एलसीएम लिया मैंने, तो आ गया यहाँ पे अल्फा के ऊपर आएगा बीटा गामा डेल्टा, लिखने की जरूरत नहीं, पता ही चल रहा क्या आएगा, टेकन थ्री एड, ये चीज़ बन रही है न्यूमरेटर के अंदर, ये देखो ये चीज़ बन रही है न्यूमरेटर के एलसीएम लेके, बीटा गामा डेल्टा बनेगा इसके अंदर, यहाँ बनेगा बीटा छोड़ के अल्फा गामा डेल्टा, यहाँ गामा छोड़ के अल्फा बीटा डेल्टा, यहाँ बनेगा डेल्टा छोड़ के अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट टाइम बन रहा है, और नीचे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट टाइम का सम है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट टाइम का सम है, तो ये क्या बनता है फॉर्मूला, माइनस डी बाई ए फॉर्मूला है, ये ई बाई ए फॉर्मूला है, तो मेरा ए कैंसिल होकर माइनस डी बाई ई फॉर्मूला बना, माइनस डी बाई ई माइनस डी माइनस फोर बाई टेन हो गया, माइनस टू बाई फाइव, तो फॉर्मूला अप्लाई करना था, ये था, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख के टाइम वेस्ट किया, अदरवाइज तो ये था आपने। सो दिस इज, मैं टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन टाइम गिवन भी था कि यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट समय यहाँ से निकल गया सिक्स है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट वन बाय सिक्स है, ये है नहीं सॉरी सिक्स बाय सिक्स है सम ऑफ फ्रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट वन बाय सिक्स है, ये था। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा, अब पहले ऐसे कंबाइन करोगे, ए से कंबाइन होगा यहाँ अल्फ़ा, इस ए से कंबाइन करना है, सी का सी से कंबाइन करना है, डी को डी से कंबाइन करना है, हाफ मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरा यहाँ बचा ए प्लस ए, राइट। फिर मेरे को मैंने बी कॉमन लेके अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर मैंने सी कॉमन लेके अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, डी कॉमन लेके अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये। अब मुझे वैल्यूज रिप्लेस करनी है, ये हाफ ये हो गया टू ए प्लस ये जो बना है बी के साथ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, राइट। मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, यहाँ से सम ऑफ द रूट्स वन है, राइट। और यहाँ पे अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिप्लेस किया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, इसको नहीं घूरना है, पहले भी यूज़ किया था हमने, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा जो फॉर्मूला था वो लगा दिया। अब सारी वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, हाफ है ये टू ए, अल्फा बीटा सब हटना चाहिए, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने, सी था सम ऑफ सम प्रोड, ये वन है, ये माइनस टू बाय सिक्स है, ये वन बाय सिक्स है तो टू बाय सिक्स हो गया ये, राइट। ऐसे डी लिखा है यहाँ पे मैंने सम ऑफ द, ये वन है, ये इसको लिखा मैंने अल्फा प्लस बीटा का हो, ये जो वैल्यू है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो मैंने निकाला ही था, ये रहा एलसीएम लेके क्या आ रहा है टू बाय थ्री आ रहा है, ये मैंने निकाला था ये चीज़ तो, अभी टू बाय थ्री है ये,
माइनस 1/6, या इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से ए आता है, यहाँ से बी बाई टू आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2/3, सी बाई थ्री आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से अब देखिए आंसर ये हो जाएगा, डी बाई फोर ही होगा ऑब्वियस है, ये करना था। तो ये क्वाड्रेटिक का तो 10th में भी पढ़ा है आपने, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप, टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं आता, कॉन्सेप्ट तो कुछ था ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को फॉर्मलाइज नहीं, आगे लेके स्टेप्स नहीं लिख पा रहे हो आप, कॉन्सेप्ट तो ये अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है, ये दिख रहा है, आप कंबाइन नहीं कर पाए, या फिर कि अल्फा अल्फा कंबाइन, मतलब ए कॉमन लिया, बी कॉमन लिया, सी कॉमन लिया, आपको दिख रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, देखा हुआ एक्सप्रेशन है, वैल्यू पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ऑब्वियस है कि मैं डी कॉमन लूंगा, ऑब्वियस है मैं सी कॉमन लूंगा, ऑब्वियस है मैं बी कॉमन लूंगा, तो प्रैक्टिस नहीं है इसके, मतलब अगर आप ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मिस कर दिया आपने, या राइट या आप कर नहीं पाए, ये क्वेश्चन 10th में डायरेक्ट फॉर्मूला था, इफ एक्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज बिटवीन 0 एंड 3, एक्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2 का ये रिजल्ट होता है, FK1 इंटू FK2 लेस देन 0, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, तो मैं अब इसमें K1 K2 के 0 एंड 3 हैं, F0 इंटू F3 लेस देन 0, 0 प्लग इन किया तो आता है -K² + K+1, ये F0 है राइट, इसको FX मान के इसमें 0 प्लग इन कर लिया, फिर 3 प्लग इन करेंगे इसमें तो 9 - K+11/3 इंटू 3 - K², अब यहाँ पे नहीं कर पाए हम लोग कैलकुलेशन ये वाली, मुझे लगता है जो नहीं कर पाए ये प्रॉब्लम होगी, माइनस अभी हटाते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से -K² आ रहा है राइट, और यहाँ से लीनियर टर्म क्या आती है, यहाँ से आती है -K, और यहाँ से ही -K, -2K कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है, यहाँ से 9 है, फिर -11/3 को 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, सॉरी 3 - 3K - K - 4K, -3K और -K - 4K, यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म 11 आ रही है, -11, 9 - 11, और यहाँ से -1 आती है, तो ये क्या बना सिंप्लीफाई करके, K² - 4K, ये -2 - 3 < 0, और ये माइनस है, ये आप देखो इसको सॉल्व करना है, कई लोग यहाँ अटक गए होंगे, ये कम्प्लीटली पॉजिटिव एक्सप्रेशन होता है, ग्राफ भी बनाया था क्लास में, सर K² + K+1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, वाई, बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, ये एक्सप्रेशन ऐसा है, कम्प्लीटली पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, ए पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ K² इज 1 पॉजिटिव, डी नेगेटिव, ये ग्राफ है इसका, कम्प्लीटली पॉजिटिव रहता है, डिस्क्रिमिनेंट इसका -3 है, कम्प्लीटली पॉजिटिव है, माइनस को से मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस को हटाया मैंने, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, इसको फैक्टराइज किया, K - 4 × K+1 > 0 है, तो K मेरा आउटसाइड -1 और 4 आ रहा है, K तो आंसर नहीं मैच करा, बस टेक करिए, इसके मतलब हमने क्विकली देख लेते हैं क्या, F1 करा मैंने, ये आ गया -10 राइट, 0 F0, जब 3 रिप्लेस किया 9, यहाँ 3 है राइट, और फिर ये ऐसे ही रहा राइट, < 0 F1, तो यहाँ से ओपन किया -K² है, अच्छा ये माइनस कॉमन, एक तो ये गलती करी है, माइनस यहाँ से भी तो कॉमन आना था, -4K -10 से -K² था, अच्छा ये गलती पर चल गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर, तो K² माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे मेरा बन रहा है K² + 4K + 3, तो फैक्टर्स चेंज हो गए राइट, फैक्टर्स चेंज हो गया मेरे, के माइनस ये बना K + 1 × K + 3 > 0, के -1 - 1 और -3 और -1 के बीच में, या -3 और -1 के बीच में, ये आंसर आ गया राइट। तो ये कैलकुलेशन अगर नहीं करी है तो प्रैक्टिस नहीं है आपकी, अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप पढ़ाई नहीं करते, कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते, अगर ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो प्रैक्टिस कम है आपकी, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऐसे हिस्सा वाले स्टेप लिखना, तो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग इन योर प्रिपरेशन। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज, विच इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड टिपिकल क्वेश्चन, इसको वाई एज्यूम करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मुझे, और कंबाइन भी करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कंबाइन किया, 1 - y² एक स्टेप में कर रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर कंबाइन किया, तो आएगा 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 7, फिर यहाँ से y बचेगा, या दो स्टेप में कर लो जो आपको जैसे कंफर्टेबल हो, 9 - 3y = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कंबाइन टर्म मेक क्वाड्रेटिक इन y, पुट d > 0 कॉन्सेप्ट था, ये नहीं आता तो बहुत गलत बात है, 7 - y² - 4 × 1 - y
इंटू 9 माइनस 3 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लिया राइट, या यहाँ बचेगा वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर है, इसको भी ओपन कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई प्लस 49, ये 4 चला गया है। यहाँ से इसको भी मैंने वाई माइनस 1 लिख लिया, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे राइट, राइट दोनों जगह से माइनस माइनस कॉमन आएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस तो पहले से था। अब मेरा ये वाई माइनस 1 बन गया, इसमें से 3 कॉमन आया यहाँ रख लिया, ये बना वाई माइनस 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भी और सिंप्लीफाई करना होगा इसको भी, वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई, यहाँ से माइनस 3 टाइम्स आई फाई ओपन दिस, वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस 3। तो ये कैलकुलेशन जिससे नहीं हुई होंगी, 4 से डिवाइड कर दिया, बचा वाई स्क्वायर और यहाँ माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस 12 वाई माइनस 14 वाई इज माइनस 2 वाई, और यहाँ से माइनस 9। तो वाई स्क्वायर माइनस कॉमन लिखे 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई माइनस 9 राइट, तो माइनस 18 बन रहा है। तो लेट मी चेक सम मिस्टेक, हैव 1 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 3 वाई, टेक 3 कॉमन, वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3, वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस 3, वाई स्क्वायर माइनस 14 प्लस 49, यहाँ से उड़ा दिया मैंने जो होना चाहिए था प्लस 49, तो यहाँ से ये प्लस 40 हो गया। राइट, सो नाउ आई विल टेक माइनस 2 कॉमन, सो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड करेंगे, 2 से पहले माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0, साइन चेंज हो गया, अब ये बना वाई प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। सो बिटवीन माइनस 5 एंड 4 है, निकालना है क्या है, माइनस 5 एंड 4 है, ये आ गया बिटवीन माइनस 5 एंड 4, या राइट, ये रिजल्ट यूज़ किया हमने बिटवीन माइनस 5 एंड 4। तो थोड़ा जल्दी में करते हैं, मिस्टेक हो जाती है, आई अंडरस्टैंड मिस्टेक करोगे तो उतना टाइम नहीं था कि वापस आके करो, तो आप कंसंट्रेशन ध्यान से, तो मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, मिस्टेक करता हूँ, अदरवाइज दिस इज दी ऑल दिस कैलकुलेशन वर द की इन दिस क्वेश्चन। ये जो हमने इसमें से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व की, इसमें भी वही चैलेंज था जो इसके पिछले क्वेश्चन में था, तो प्रैक्टिस कर मारो, जिसको भी मुश्किल हुई है 4 बार सॉल्व करें दोनों क्वेश्चन को, 3 दिन 4-4 बार सॉल्व करें कि घबराहट खत्म हो जाए ऐसे क्वेश्चनों की, जैसे यहाँ भी यही किया था हमने, ये क्वेश्चन जो के वाला क्वेश्चन था ये वाला, इसमें भी सेम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करिए यहाँ भी। थैंक यू गाइस।